सब्सक्राइब कीजिए शब्द सम्राट न्यूज चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, शब्द सम्राट न्यूज में आपका स्वागत है। मुंबई से सटे डोंबिवली पूर्व पश्चिम को जोड़ने वाले कोपर के सामने सुबह 7 बजे के करीब एक बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 3 विद्यार्थी और एक पैदल जा रहा युवक घायल हुआ है। इसके अलावा हादसे में 2 रिक्शा और 3 मोटरसाइकिल भी चपेट में आ गई है। घटना CCTV कैमरे में कैद हुआ, जिसकी मदद से पुलिस जाँच कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार सुबह 7:30 बजे का समय स्कूली बच्चों के जाने का समय, 6:30 बजे के करीब डोंबिवली पश्चिम के कोपर पुल के सामने बड़ा हादसा हुआ। एक मिनी बस ने सड़क के किनारे पार्क की गई 2 रिक्शा और 3 मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। वही सामने एक स्कूल भी है। इस हादसे में पैदल जा रहे 3 कक्षा में पढ़ने वाले आरुष रेडेकर 7, किशन 7, अंक रविस्पुदे 7 घायल हो गए। साथ ही पैदल जा रहा एक युवक रोहित पाटिल 34 भी इस हादसे का शिकार हो गया। इन सभी का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। मौके पर विष्णुनगर पुलिस पहुंच कर घटना का पंचनामा किया। आज सकाळी 7:15 सुमारास डोंबिवली ईस्ट वरून डोंबिवली वेस्ट कडे कोपरे ब्रिज वरून टेम्पो ट्रॅव्हल येताना भरधाव वेगात होता। त्यांनी त्याचा वेग कंट्रोल मध्ये झाल्यामुळे तो रिक्षाला धडकल्यानंतर बाजूला साऊथ इंडियन शाळा आहे त्या ठिकाणी रिक्षातून विद्यार्थी उतरत असताना त्या विद्यार्थ्यांना त्या रिक्षाचा धक्का लागला आणि त्यात 2 विद्यार्थी एक मुलगी असे जखमी झाले असून त्यांच्यावर शासकीय हॉस्पिटल व काहींवरती ओझन हॉस्पिटल डोंबिवली वेस्ट या ठिकाणी उपचार चालू आहे। आणि जो टेम्पो ट्रॅव्हलर चालक आहे त्याच्यावरती गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे, तपास करत आहोत।